एक बार फिर से हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ अरिशफा खान के बारे में कि उन्होंने अपना न्यू होम ले लिया। जैसे कि आप वीडियो देख रहे हो स्क्रीन पे जो उन्होंने अपने स्टोरी पे डाला इंस्टाग्राम पे, और वहाँ पे उन्होंने बताया कि उन्होंने न्यू होम लिया है। जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे फोटो, तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ उन्होंने कितने वीडियो और फोटो स्टोरी पे डाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि हम इसी टाइप के वीडियोस लाते रहते हैं। चले गाइस अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो फर्स्ट फोटो यही है जिसे उन्होंने डाला है, न्यू होम न्यू बिगनिंग। तो ये फर्स्ट फोटो, अब मैं आपको सेकंड फोटो दिखाता हूँ। तो गाइस आप सीन पे देख सकते हो, सेकंड फोटो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे ये डाला है, रात का सीन है, कल रात का उन्होंने फोटो डाला है अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे, और यहाँ पे लिखा है कि वो उनके जो बालकनी है वहाँ से व्यू ऐसे दिखता है रात को। तो उन्होंने ये सेकंड फोटो डाला है। अब मैं आपको थर्ड फोटो दिखाता हूँ। तो गाइस थर्ड फोटो ये है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, आज 8 जुलाई है, और 8 जुलाई उन्होंने सुबह सुबह अपने इंस्टाग्राम पे ये स्टोरी डाला है, और यहाँ पे मॉर्निंग उन्होंने लिखा है और ये फोटो डाला है, उनका जो बालकनी का जो व्यू है वही उन्होंने डाला है। अब मैं आपको फोर्थ दिखाता हूँ जो कि वीडियो है। चलो गाइस वीडियो देख लो। नो चलो चले बाहर घूमी घूमी करने, चलो चलो चले बाहर घूमी घूमी करने। यस तो गाइस ये वीडियो देखो, ये लास्ट वीडियो जो उन्होंने अपने स्टोरी पे डाला है। अब आप लोग बोलोगे कि क्या प्रूफ है कि उन्होंने स्टोरी डाली है, तो उनके इंस्टाग्राम पे जाऊंगा और वहाँ पे आप देख सकते हो उनका उन्होंने स्टोरी डाली है। तो विद प्रूफ आपको मैं बता रहा हूँ, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि कोई और भी फोटो डाल सकता है, आप फेक बता रहे हो, लेकिन मैं आपको प्रूफ के साथ स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखा दिया। तो गाइस मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी कि उन्होंने अपना न्यू हाउस लिया है। तो गाइस आप इस फोटो को देखो एक बार, जब इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग भी इस फोटो में छोटी दिख रही है, तो अरिशफा खान जो बिल्डिंग में गई हैं, जो वहाँ उन्होंने फ्लैट लिया है, वो तो बहुत बड़ी बिल्डिंग होगी। तो जब बड़ी बिल्डिंग में फ्लैट लेना, वो भी रेंट में नहीं ना, वो न्यू होम लिखी है जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, तो इसका मतलब कि जो बड़ी बिल्डिंग है उसमें उन्होंने एक फ्लैट खरीद ही लिया है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि मुंबई में एक बड़ी बिल्डिंग में फ्लैट लेना कितना कम पैसा लगता होगा? कम से कम 45 लाख के ऊपर उन्होंने फ्लैट लिया होगा, क्योंकि अगर रेंट पर लेते या अगर कुछ टाइम के लिए गए रहते तो उन्होंने न्यू होम न्यू बिगनिंग्स नहीं लिखना था। लेकिन उन्होंने अपने इंस्टा पे स्टोरी डाल के लिखा है न्यू होम, तो इसका मतलब उन्होंने न्यू होम खरीदा है। और गाइस ये घर खरीदने का अरिशफा खान का कुछ रीजंस है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ अपने से, जो मैं ऑब्जर्व किया हूँ उसके बेस पे मैं आपको रीज़न बता रहा हूँ। आपको सही लगे तो मेरे को नीचे कमेंट करना, नहीं लगे तो भी करना। तो गाइस फर्स्ट रीज़न ये है कि अन्ना ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो दम दूर रहते हैं और अरिशफा खान दम दूर रहती है, तो शायद वो मुंबई की कोई जगह में दम दूर रहती है, तो वो सेंटर में घर लेना चाह रहे हो मुंबई के, जहाँ पर हर चीज़ जल्दी हो जाए, कोई कहीं टाइम ना लगे, लेट ना हो वो, तो इस बेस पे भी वो शायद वो घर ले सकती है। और सेकंड, अब ये पता चल रहा है आपको कि मुंबई में बहुत तेज बारिश हो रही, जैसे आप सीन पे वीडियो देख रहे हो, जो मतलब जिसे घर ग्राउंड फ्लोर में है उनके घर के अंदर पानी आ जा रहा है जैसे आप सीन पे वीडियो देख रहे हैं, तो शायद इसके भी बेस पे अरिशफा खान ने देख के न्यू घर लिया होगा, जिससे अब वो ऊपर रह रही हूँ तो वहाँ पे कोई पानी का ये इसका कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा रेन का, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। आप लोग गाइस मेरे को बताइए कि मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं। तो गाइस आप लोग मेरे को नीचे कमेंट करके बताना कि जो दो रीज़न मैंने आपको बताया आपको कौन सा सही लग रहा है। और गाइस ये भी मैं आप बता रहा हूँ अपने साइड से कि ऐसा हो सकता है, तो कुछ कंफर्म नहीं है, ये रीज़न है ये, आपको क्या लगता है आप लोग मेरे को नीचे कमेंट करके बताना। और गाइस जो मैंने फ्लैट का बताया कि 45 लाख का फ्लैट है, आप लोगों को क्या लगता है कि वो कितने का फ्लैट होगा? आप लोग वो भी मेरे को नीचे कमेंट करके बताना, मैं जानना चाहूँगा कि मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं। तो बस गाइस आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी, उम्मीद करूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर मेरे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और गाइस इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो अरिशफा खान के फैंस को, जिससे उनको भी इन्फॉर्मेशन मिले। और गाइस आप मेरे को अभी तक अपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर लो, यूजर नेम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा और लिंक सबसे फर्स्ट डिस्क्रिप्शन पे जाके फॉलो कर लो। चलिए गाइस आज के इस वीडियो बस इतना ही।